अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के 52वें बलिदान दिवस पर भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ नेपाल में अपनी शूटिंग छोड़कर उनके गांव में आयोजित बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। निरहुआ ने सबसे पहले अमर शहीद अब्दुल हमीद की विधवा रुसलमान बीवी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। निरहुआ ने कार्यक्रम में मौजूद आर्मी चीफ बिपिन रावत से मुलाकात की और हजारों की तादाद में मौजूद लोगों के समक्ष गाजीपुर में सेना भर्ती केंद्र खोलने और एक सैनिक स्कूल खोलने की मांग की। निरहुआ की इस मांग पर मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। निरहुआ ने जोशीले अंदाज में कहा कि चीन पाकिस्तान के टैंक से भारत कभी नहीं हारेगा, गाजीपुर का एक सिपाही दौड़ा दौड़ा कर उसने मारेगा। उन्होंने कहा कि अब्दुल हमीद की कहानी सुनकर गाजीपुर का हर बच्चा बड़ा होता है और उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का मादा रहता है। निरहुआ ने खास अपने अंदाज में कहा कि फिर से जंग छिड़ी अगर फिर से मौका आएगा, गाजीपुर का हर बच्चा अब्दुल हमीद बन जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।